अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है और डिस्प्ले क्लियर है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए। थोड़ी सी क्लास आज लेट हो गई नमाज के बाद, लेकिन हम शुरू करते हैं बगैर अपना वक्त जाया किए। जी वालेकुम सलाम अली सर जी। इंट्रोडक्शन टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशन, हमने सबसे पहले आपसे बिजनेस की बात की थी और बिजनेस की टाइप्स की बात की थी कि बिजनेस जो है बेसिकली रेगुलर बेसिस पे अगर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई एक्टिविटी की जाए तो उसे बिजनेस कहा जाता है। सर जी, एक्टिविटी कैरिड आउट टू अर्न प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस तो इसे बिजनेस कहते हैं। और बिजनेस की तीन टाइप्स आपसे डिस्कस की थी और उसमें सभी थी एनी एक्टिविटी कैरिड आउट टू अर्न प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस टाइप्स, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। एनी एक्टिविटी कैरिड आउट टू अर्न प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेस, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? एन इंडिविजुअल हु ओन्स एंड रन्स हिज और हर ओन बिजनेस। एन इंडिविजुअल हु ओन्स एंड रन्स हिज और हर ओन बिजनेस, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। अकेला बंदा है, खुद कारोबार करता है। लॉ इसको अलग शनाख्त नहीं देता, लॉ इसकी अलग हैसियत नहीं समझता। और अगर कहा जाए कि मिस्टर ए या ए शूज, ए ने एक दुकान खोली है जूतों की और वो सोल प्रोप्राइटर है, कहा जाए ए शूज या कहा जाए मिस्टर ए, ए की बात है। यानी लॉ कहता है इसकी कोई अलग शनाख्त नहीं है। और अगर कारोबार में कोई नुकसान हो जाए तो इसको अपनी जायदाद बेच के वो नुकसान पूरा करना पड़ता है। सर इसी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। कोई स्पेशल लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई बंदा कारोबार या बिजनेस शुरू करना चाहता है सोल प्रोप्राइटर के तौर पे, तो कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है, वो शुरू कर सकता है और जितनी इन्वेस्टमेंट वो काम में करता है सर इन द बिजनेस आना चाहिए, सॉरी, तो इसे कैपिटल कहा जाता है। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोग मिलके पार्टनर बनाते हैं। पार्टनरशिप के केस में भी कारोबार की अलग शनाख्त नहीं होती और पार्टनरशिप के केस में भी ज्वाइंटली लाइबल होते हैं, लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यानी अगर पार्टनरशिप के केस में जो है वो अगर आपका कारोबार में नुकसान हो जाए तो आपको अपनी जायदाद बेच के वो नुकसान पूरा करना पड़ता है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के को कंप्लाई किया जाता है और उसमें ये है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड द पार्टनर्स कैपिटल। और जब अमाउंट इन्वेस्ट करता है ओनर इन द बिजनेस उसे पार्टनर्स कैपिटल कहा जाता है। सर उसके बाद हमने कंपनी की बात की थी। जी अली, मुझे बिल्कुल पता है कल कवर हो गया था, मैं बहुत क्विकली रिकैप दे रहा हूँ कि जिन नए स्टूडेंट्स ने मैं आज ज्वाइन किया है वो हमारे साथ रहे बेसिकली ना। उसकी वजह से मैं एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ। कंपनी के केस में जितना कंपनी में इन्वेस्ट, जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है उसे शेयर कैपिटल कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट के सबसे छोटे हिस्से को शेयर कहते हैं। जो कंपनी में हिस्सेदार होता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं, और कंपनी का जो जो सबसे छोटा हिस्सा होता है इन्वेस्टमेंट का उसको शेयर कहते हैं। तो शेयर शेयर होल्डर और शेयर कैपिटल, ये तीन टर्म्स आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट को शेयर कैपिटल कहते हैं। कंपनी का मालिक, कंपनी का ओनर, कंपनी का हिस्सेदार शेयर होल्डर कहलाता है। और कंपनी की मलकियत का सबसे छोटा यूनिट जिसके जरिए कंपनी की ओनरशिप को शो किया जाता है उसे शेयर कहा जाता है। जो शेयर होल्डर होते हैं वही कंपनी के मालिक होते हैं, और कंपनी को बनाने के लिए प्रॉपर कानूनी कानून है जिसको कंपनी एक्ट कहा जाता है, जिसके मुताबिक कंपनी को बनाया जाता है। कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। कंपनी एक लीगल पर्सन है जो कि ओनर से अलग होता है। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। सर कंपनी की अलहदा शनाख्त है
कि सो प्रोप्राइटर पार्टनरशिप की नहीं थी, इसीलिए कंपनी की अलग शनाख्त है, जिसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कंपनी की अलग शनाख्त है। यानी कि जब हम पहले कहते थे मिस्टर ए कहें तो इसका मतलब होगा ए शूज, और अगर ए शूज कहें तो इसका मतलब होगा मिस्टर ए। अब ऐसा नहीं है, अगर उसने मिस्टर ए ने कंपनी बनाई है जिसका मतलब है ए प्राइवेट लिमिटेड, तो ए प्राइवेट लिमिटेड एक अलग शनाख्त रखती है और मिस्टर ए एक अलग शनाख्त रखता है। ए प्राइवेट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकता है, ए प्राइवेट लिमिटेड लोगों को पैसे दे भी सकता है, लोगों से पैसे ले भी सकता है, और ए प्राइवेट लिमिटेड जो है वो अपने, तो ये एक अलग, एक सेपरेट पर्सन है, इसकी एक अलग कानूनी हैसियत है। यस कंपनी को जो चला रहे होते हैं उन्हें डायरेक्टर्स कहा जाता है, कंपनी को जो चला रहे होते हैं उन्हें डायरेक्टर्स कहा जाता है, और लाइबिलिटी ऑफ शेयर जो है वो किस हद तक लिमिटेड होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ टोटल शेयर्स इन द कंपनी। लाइबिलिटी ऑफ शेयर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ टोटल शेयर्स इन द कंपनी। लाइबिलिटी ऑफ ओनरशिप, यानी यहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर कारोबार में नुकसान हो जाए तो कारोबार के मालिक को अपनी जायदाद बेचकर वो नुकसान पूरा करना नहीं होता, जबकि सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में कारोबार के मालिक को अपनी जायदाद बेचकर वो नुकसान पूरा करना पड़ता था। लेकिन कंपनी के केस में ऐसे नहीं होता, कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। सर जी, फीचर्स ऑफ द कंपनी, ये भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला फीचर ये कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन, और मैंने आपको बताया था जी दो तरह के पर्सन होते हैं, एक नेचुरल जिसको अल्लाह बनाए और एक आर्टिफिशियल जिसको इंसान बनाए, एक नेचुरल जिसको अल्लाह बनाए और एक आर्टिफिशियल जिसको इंसान बनाए। खास तौर पे जो लॉ है वो कंपनी को एक लीगल पर्सन की तरह ट्रीट करता है, और इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला करेक्टरिस्टिक सर, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी लोगों को पैसे, लोगों से पैसे वसूल कर सकती है, तलब कर सकती है लोगों को पैसे, लोगों से कर्जा ले सकती है। सर दूसरे नंबर पे कंपनी ओनरशिप ऑफ एसेट, कंपनी ओन्स इट्स ओन एसेट्स, कंपनी अपने एसेट्स की मालिक खुद होती है, कंपनी ओन इट्स ओन एसेट्स, कंपनी के नाम पे एसेट्स होते हैं, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है और कंपनी अपने एसेट्स की मालिक खुद होती है। गर्चे कंपनी के मालिक शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन कंपनी अपने एसेट्स की मालिक खुद होती है, और शेयर होल्डर जो है वो क्या होते हैं, वो तो सिंपली ओनर्स ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी होते हैं, शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द शेयर, वो कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, लेकिन कंपनी का मालिक, अस कंपनी के पास जो असासे होते हैं उसकी मलकियत खुद कंपनी के पास होती है, यानी लैंड कंपनी के अपने नाम पर होती है, गाड़ी कंपनी के अपने नाम पर होती है। सर सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में ये एसेट पार्टनर्स के या मालिकों के नाम होते थे, लेकिन कंपनी के केस में ये कंपनी के नाम होते हैं, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और कानून की अलग कानूनी हैसियत रखती है कंपनी। सर इसके पास ये भी राइट है कि लोगों को पैसे दे और लोगों से पैसे ले। सर कंपनी को चलाता कौन है, डायरेक्टर। मैंने कहा था कल आपको, जिस तरह गाड़ी का ड्राइवर होता है, इस तरह कंपनी में डायरेक्टर आर जस्ट लाइक द ड्राइवर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को ड्राइव करते हैं, जो चलाते हैं। स्मॉल कंपनीज में तो अक्सर शेयर होल्डर ही डायरेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन बड़ी कंपनी में बाजू का डायरेक्टर के पास बहुत कम शेयर होल्डर शेयर्स होते हैं, या शायद बाजू का कभी शेयर्स होते भी नहीं है, लेकिन वो कंपनी को चला रहे होते हैं। सर जिस तरह किसी आम बंदे की लाइबिलिटी टू पे टैक्स होती है, इसी तरह अगर कंपनी मुनाफे कमाए, पैसे कमाए, तो उसकी भी लाइबिलिटी टू पे टैक्स होती है। और अगली बात, जिस तरह कोई और बंदा कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उससे सजा होती है, बिल्कुल इसी तरह कंपनी भी कानून की खिलाफ वर्जी करे तो इसको सजा होती है, और इसकी लाइबिलिटी होती है कि वो पे करे। सर ये सारी चीजें आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका था, और ये एग्जांपल भी डिस्कस की थी कि जाहिद ने एक कंपनी बनाई एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड की अलहदा शिनाख्त है और जाहिद की अलहदा शिनाख्त है, कानून की नजर में ये दो अलहदा अलहदा लोग हैं। सर जी मैंने आपके
सर ये सारी डिस्कशन डिटेल से कर दी। सर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए। जी सर, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मुझे अब आगे चलना है। सर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। सेपरेट पर्सनैलिटी जी एक क्वेश्चन है सर। आज काइंडली नोट शेयर कर जी नोट्स, बल्कि मैं अभी शेयर करवा देता हूँ। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। सर सेपरेट कहते हैं अलहदा को, पर्सनैलिटी कहते हैं शख्सियत को। सर प्लीज ग्रुप में ना नोट शेयर कर दीजिए, अपने आप को ग्रुप में ऐड कर लो सी लो के, और उसमें नोट शेयर कर दो। अच्छा जी, वो कहता है ये जो अलहदा शनाख्त होती है, ये जो अलहदा शख्सियत और अलहदा शनाख्त है कंपनी की, इसकी वजह से फायदे क्या होते हैं। सर वो कहते हैं सबसे पहले लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। सर जो पहला फायदा है वो ये है कि कंपनी में कोई नुकसान हो जाए तो मालिक अपनी जायदाद बेचकर नुकसान पूरा नहीं करेंगे। सर इसका मतलब ये है, सीएमडीजी का सीनो, इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो जो मालिक है वो अपनी जायदाद बेचकर नुकसान पूरा नहीं करेंगे। जो मालिक है वो अपनी जायदाद बेचकर नुकसान पूरा नहीं करेगा। सर इसका मतलब ये है कि अगर एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और इसका शेयर होल्डर है ए और बी, ए ने भी 5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है और बी ने भी 5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है। सर अगर कंपनी के टोटल असासे या एसेट्स हैं सर 10 लाख के, और कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज हो गई हैं सर 25 लाख रुपए की, तो कंपनी बंद करनी पड़ गई और कंपनी का नुकसान हो गया है 15 लाख रुपए का। सवाल ये है ए और बी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान ये होगा कि इनका ये 5-5 लाख डूब जाएगा, लेकिन 10 लाख से ऊपर ये जो अभी भी कर्जा है 5 लाख रुपए का, ये अदा करने के लिए ए और बी को अपनी जायदाद बेचनी नहीं पड़ेगी, अपने पर्सनल एसेट्स बेचने नहीं पड़ेंगे। सर दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑनर्स ऑफ बिजनेस। सर इससे पहले सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में मसला ये था, नुकसान होने पे मालिक ठूक जाते थे। अब वो कहते हैं जी जितना भी नुकसान हो जाए, मेरा ज्यादा से ज्यादा नुकसान ये होगा कि जो पैसे मैंने लगाए थे वो डूब गए, लेकिन इससे ऊपर नहीं नुकसान होगा। सर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, ये बड़ी अगली काम की बात है। चूंकि इसकी एक अलहदा शनाख्त है, इसलिए कंपनी एक अलहदा हैसियत रखती है, और लेट्स से इसके शेयर होल्डर है ए और बी, ये अलहदा हैसियत रखते हैं। सर कंपनी मुलाजिम रख सकती है, कंपनी कर्ज ले सकती है, कंपनी कर्ज अदा कर सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी कंपनी की एक अलहदा शनाख्त है, कंपनी टैक्स देती है, कंपनी को फाइन होता है। ये जो अलहदा शनाख्त है ना कंपनी की, ये पार्टनरशिप और सोल प्रोप्रेटर में नहीं होता था। मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ। मिस्टर सी जो है वो क्रेडिटर है, वो कंपनी के पास आया और कंपनी को कहता है कि जनाब आपने मेरा 5 लाख देना था, मुझे 5 लाख अदा करें, तो कंपनी ये 5 लाख अदा करेगी। अगर कंपनी 5 लाख अदा नहीं करती तो ये बंदा क्या मिस्टर ए के पास जाके उसके घर जाके कहेगा कि लो भी मेरा 5 लाख दो, तुम कंपनी के मालिक हो। तो मिस्टर ए कहेगा भाई कंपनी की अलहदा शनाख्त है, मैं कंपनी का मालिक जरूर हूँ लेकिन कंपनी के अलहदा शनाख्त है, कंपनी जाने कंपनी का काम जाने, मैं तुम्हें 5 लाख रुपया तुम्हारा कर्जा देने का मजाज नहीं। कंपनी की अलहदा शनाख्त है, कंपनी देगी कंपनी लेगी, कंपनी के मामला कंपनी जाने। सर जी इसका मतलब ये है कि ऑन इसमें कंपनी को अलहदा शनाख्त दे दी और दूसरे बंद उसके शेयर होल्डर की शनाख्त अलहदा कर दी। दूसरे नंबर पे एक फायदा ये भी हो गया कि सर कंपनी को चलाने वाले बंदे अलहदा हो गए और ओनरशिप अलहदा हो गई। कंपनी को चलाने वाले लोग अलहदा होते हैं और कंपनी की ओनर कंपनी के मालिक अलहदा होते हैं या हो सकते हैं।
सर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में कंपनी को चलाने वाले और कंपनी को मालिक एक ही लोग होते थे, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी को चला रहे होते हैं ये डायरेक्टर्स कहलाते हैं, और कंपनी के जो मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। कंपनी के बारे में जो फैसले होते हैं वो डायरेक्टर्स करते हैं कंपनी के मालिक से। कंपनी के बारे में जो फैसले होते हैं वो डायरेक्टर्स करते हैं यार रोजमर्रा के, और कंपनी के मालिक से उन्हें पूछने की जरूरत भी नहीं होती। सर जी मैं आपको मिसाल देता हूँ, रोजमर्रा के रूटीन मैटर्स की बात करूं, सिग्निफिकेंट मैटर की बात नहीं कर रहा। सर मेरे पास नेस्ले के शेयर्स थे, मैंने नेस्ले के शेयर्स थे 5,000। मैंने देखा अखबार में खबर सुनी, अखबार में खबर देखी कि नेस्ले के जो शेयर हैं, नेस्ले की कंपनी ने जर्मनी से 5 करोड़ रुपए की मशीन इंपोर्ट की। मैं अगले दिन नेस्ले पहुंच गया, मैंने कहा मैं नेस्ले का मालिक हूं, मुझसे पूछे बगैर आपने कैसे नेस्ले के जो है वो 5 करोड़ की मशीन खरीद ली? तो नेस्ले वाले कहेंगे भाई जान वो आराम से वहां पे बैठ जाए, नेस्ले का कंट्रोल संभालने वाले डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने फैसला करना है, ना कि आपने फैसला करना है। तो जो फैसला करने वाले हैं वो और हैं, और जो डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं वो और हैं, और ऑनर्स और हैं। सर जी जो कंपनी की अलहदा शनाख्त है, इसकी वजह से एक ये फायदा भी हो गया कि डिसीजन मेकिंग करने वाले और कंपनी को चलाने वाले लोग अलहदा अलहदा हो गए। सर जी तीसरी है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सर इसको ऐसे समझाता हूं कि सर जी जो आम इंसान होता है जिसको हम नेचुरल पर्सन कहते हैं, सर ये नेचुरल पर्सन मर जाता है, खत्म हो जाता है, सोता है, जागता है, डूबता है, मरता है, जीता है। आर्टिफिशियल पर्सन चूंकि अल्लाह का बनाया हुआ नहीं है, ये इंसानों का बनाया हुआ है, तो सर इसने मरना नहीं है जब तक खुद इंसान इसको ना मरे। सर आपको पता है अभी पिछले दिनों मैंने देखा नेस्ले की 150th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। सर जी नेचुरल पर्सन जो होता है उसकी जिंदगी इतनी ज्यादा होती नहीं है। सर हुआ क्या? सर नेस्ले शेयर होल्डर थे मिस्टर ए। सर मिस्टर ए मर गए, ये अब शेयर होल्डर बन गए इसका बेटा मिस्टर बी। तो परपेचुअल सक्सेशन से विरासत में शेयर तक चलते गए और कंपनी चलती गई, कंपनी बननी भी। सर सोल प्रोपराइटर अगर मर जाए तो कारोबार बंद खत्म, पार्टनरशिप अगर मर जाए, पार्टनर्स अगर मर जाए तो कारोबार खत्म। सर यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे कंपनी चलती रहती है, कंपनी के मामला चलते रहते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स तब्दील होते रहते हैं लेकिन कंपनी चलती रहती है, ओनरशिप तब्दील होती रहती है लेकिन कंपनी चलती रहती है, और कंपनी खत्म नहीं होती तब तक जब तक खुद ओनर्स मिलके ये डिसाइड ना करें कि हमने कंपनी को बंद कर देना है, यानी वाइंड अप कर देना। सर वाइंड अप वो नया टॉपिक है जो आपके कोर्स में आया है, दो ही चीजें नई ऐड हुई हैं, एक मॉर्गेज और एक वाइंड अप। तो वाइंड अप क्या है? कंपनी को बंद करना। इससे पहले ये कोर्स में नहीं होता था, ये फर्स्ट टाइम ही कोर्स में शामिल हुआ है। सर जी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी इसको जरा डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने ये तीनों बातें डिस्कस कर ली। सर अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए, कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। सर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, ये जो थर्ड पॉइंट है इसको डिस्कस कराने लगा। सर सबसे पहले तो शेयर कैपिटल और मेंबर की डिस्कशन है,
वो कहते हैं कैपिटल क्या है, कंपनी में जितनी इन्वेस्टमेंट होती है वो शेयर्स के जरिए प्रेजेंट की जाती है, और इस इन्वेस्टमेंट को करने वाले लोग ओनर्स होते हैं, और वो शेयर और वो कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, और उन्हें शेयर होल्डर्स या मेंबर्स कहा जाता है। ऑल्दो ये दो अलग, सर शेयर होल्डर और मेंबर्स को इंटरचेंजेबली बोला जाता है, जबकि ये दोनों अलहदा अलहदा टर्म्स है, इसको आगे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। सर हु कैन ओन शेयर्स, सर शेयर का मालिक कौन होगा? सर जो कंपनी का मालिक है, जिसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, जो कंपनी में हिस्सेदार है, वो कंपनी का शेयर होल्डर होगा। सर ये कोई भी हो सकता है, इवन दूसरी कंपनीज भी कंपनी की शेयर होल्डर हो सकती है, और बाज अवकात तो ऐसे भी होता है कि एक कंपनी है लिमिटेड, इसने भी लिमिटेड के 100% शेयर्स खरीदे हुए, यानी कंपनी की एक कंपनी की पूरी मालिक और शेयर होल्डर दूसरी कंपनी। सर शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, क्या ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा सकता है? यस किया जा सकता है, सेल करके भी, गिफ्ट के जरिए भी, और विरासत के जरिए भी। सर अगर आप बेच दें तो भी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, आपने किसी को तोहफा कर दिया तो भी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, अगर किसी बंदे के अब्बू फौत हो गए तो उसके शेयर्स ऑटोमेटिकली उसकी उनके पास जिस कंपनी के शेयर थे वो सारे शेयर्स आपके नाम ट्रांसफर हो जाएंगे विरासत के जरिए। सर शेयर ट्रांसफर, वो कहता है वेयर शेयर्स आर ट्रांसफर्ड द राइट एसोसिएटेड विद द शेयर सच एज द राइट टू रिसीव अ पोर्शन ऑफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, राइट टू अटेंड मीटिंग आर ट्रांसफर्ड। सर जब शेयर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो शेयर से वाबस्ता हकूक भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सर आप जब कहते हैं, सर मिसाल लीजिए, सर एक बंदा, एक ए है बंदा, वो एक घर का मालिक है, इसने बेच दिया घर बी को, अब बी घर का मालिक बन गया। मुझे आप ये बताएं कि क्या बी अब घर किराए पे चढ़ा सकता है? यस, जो जो हकूक ए के थे ए भी घर किराए पे चढ़ा सकता था, बी भी घर किराए पे चढ़ा सकता है। बिल्कुल इसी तरह पहले ए शेयर होल्डर था, शेयर्स का मालिक था, कंपनी का मालिक था, जो कंपनी के फैसलों में उठता बैठता था, फैसलों में वोटिंग करता था, जो कंपनी की मीटिंग्स को अटेंड करता था, जो कंपनी कमाती थी उसमें से उसको हिस्सा मिलता था। अब जब इसने, ये शेयर होल्डर ए ने शेयर बी को बेच दिए, तो यहां पे भी वही सीन है कि इसको हिस्सा मिलता है, इसको हिस्सा मिलता है, इसको हिस्सा मिलता। सर जी ये शेयर ट्रांसफर की बात थी जो आपसे बताई, जब कोई एक शेयर होल्डर चीज बेच देता है या ट्रांसफर देती किसी दूसरे को, तो उससे वाबस्ता सारे राइट्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं, और दूसरा बंदा शेयर का मालिक बन जाता है, दूसरे बंदे को प्रॉफिट में समझता है, दूसरा बंदा मीटिंग अटेंड कर सकता है। सर परपेचुअल सक्सेशन, सर अगर ओनर मर गया है या ओनर तब्दील हो गया है या ओनर बैंकरप्ट हो गया, तो इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी इसी तरह ही चलती रहती है, जब प्रोवाइडर पार्टनरशिप में सर बिजनेस खत्म हो जाता था अगर, या पार्टनरशिप खत्म हो जाती थी अगर मालिक मर जाता था, गलतियां हो जाता था या के ओनरशिप। सर ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और परपेचुअल सक्सेशन के हवाले से डिस्कशन थी। सर अगर आपको समझ आ गई तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, सर ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है, आपके साथ डिस्कस करते हैं जनाब।
इसकी बुनियादी डिस्कशन तो आपके साथ कि सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप के केस में था तो पार्टनर के नुकसान पूरा करना पड़ता, लेकिन कंपनी के केस में पूरा करना पड़ता क्योंकि तो ओनर्स की रिस्ट्रेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सर पेनल्टी अप्लाई द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी एंड दे डू नॉट हैव टू पे एनी अदर अमाउंट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी इन केस ऑफ लिक्विडेशन कंपनी लिक्विडेट होती है वैसे इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी अगर नहीं बोली है करने की जरूरत नहीं होती। The concept of limited liability applies to the owners of the company. The liability of the owners of the company for the debts of the company is limited to the amount of their investment in the company, and they do not have to pay any other amount in case of insolvency of the company. Sir, इनको कोई और amount pay करने की जरूरत नहीं। सर अप्लाई होता है ये कंपनी पे अप्लाई नहीं होता, ये मेंबर्स पे अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है सर? अगर एक कंपनी थी एबीसी लिमिटेड और उसके शेयर होल्डर थे ए और बी, 2.5 लाख रुपया ए ने इन्वेस्ट किया हुआ था और 2.5 लाख रुपया बी ने इन्वेस्ट किया हुआ था। सर कंपनी के टोटल एसेट्स थे 1 मिलियन के और कंपनी की टोटल लायबिलिटीज थी 15 लाख रुपए की। सर क्या कंपनी इन लायबिलिटीज को पे करने के लिए कंपनी के सारे एसेट्स बेचने पड़े तो बेचेगी? यस, इन लायबिलिटीज को पे करने के लिए कंपनी को अगर अपने सारे एसेट्स बेचने पड़े तो सारे एसेट्स बेच देगी। हाँ, ए और बी को अपनी जायदाद बेचने की जरूरत नहीं है, इनका नुकसान 2.5 लाख तक ही होगा, लेकिन कंपनी के पास जितने एसेट हैं, कंपनी के नाम पे जमीन है, गाड़ी है, सारी चीजें हैं, वो उन सबको बेचने के लिए, उन सब के लिए इसको बेचना लाजमी होगा। यानी कंपनी के एसेट्स को बेचना पड़ेगा कंपनी की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, सारे एसेट्स को ही बेचना पड़ेगा। हाँ, कंपनी के ओनर को अपने जाती एसेट्स बेचने नहीं पड़ेंगे। द लाइबिलिटी एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड प्रोवाइडेड दैट दे एक्ट विद इन द पावर्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। सर लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर की बात करने लगा हूँ। सर डायरेक्टर एक अलहदा बंदा है, उसकी एक अलहदा हैसियत है, वो कंपनी की नुमाइंदगी कर रहा होता है, लेकिन कंपनी ने अगर कोई पैसे देने हैं तो उसके लिए डायरेक्टर जाती तौर पे लाइबल नहीं होता। द डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन एजेंट एंड प्रोवाइडेड दैट दे एक्ट विद इन द पावर्स एंड इन अकॉर्ड विद द लॉज दे आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। सर ये जाती तौर पे कंपनी के कर्जों के लिए लायबल नहीं होते। सर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जो है वो कंपनी के खर्चों के लिए कंपनी के कर्जों के लिए जाती तौर पे लायबल नहीं होते। हाँ, अगर वो कोई ऐसा काम करे जो कानून की खिलाफ वर्जी हो तो फिर वो जाती तौर पे लायबल हो जाते हैं। आम अगर कानून की हदूद में रहते हुए डायरेक्टर काम करे तो डायरेक्टर जाती तौर पे कंपनी की कर्जों का जिम्मेदार नहीं होता। सर मुझे बताते हैं क्या अब आवाज क्लियर है? स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। प्लीज अगर अब आवाज क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर। सर पार्टली पेड शेयर के बाद अब ये चौथी बात करने दो। सर पार्टली पेड शेयर वो शेयर जिनको पार्टली पे किया गया है, वो शेयर जो कि पार्टली पेड है, यानी
एक शेयर है जो है मिसाल के तौर पे 100 रुपए का, और शेयर होल्डर ने वो शेयर तो लिया लेकिन अभी 50 रुपए पे किए और 50 रुपए पे करने हैं, इसको पार्टली पेड शेयर कहते हैं। सर पुराने दौर में पार्टली पेड शेयर्स इशू होते थे, सर अब पार्टली पेड शेयर्स को इशू करने की इजाजत ही नहीं है, अब पार्टली पेड शेयर्स को इशू करने की इजाजत ही नहीं है। और पुराने दौर में ये कभी होता था, अब ये नहीं होता, ये अब एप्लीकेबल नहीं है पार्टली पेड शेयर्स वाली बात। वो कहता है हाँ एक बात सुनिए, अगर 100 रुपए का शेयर था, शेयर मेंबर ने कितने पैसे पे किए, 50 रुपए पे किए थे और अभी 50 पे करने थे, यानी इसको कहते हैं पार्टली पेड शेयर, तो मेंबर की लायबिलिटी कितनी होगी? उसने शेयर्स के वाले से पेमेंट करनी है। सर मेंबर ने अगर पार्टली पेड शेयर खरीदा हुआ है तो जितनी बाकी अमाउंट उसने पे करनी थी उसकी लायबिलिटी उस हद तक होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। अगर नॉट येट पेबल लायबिलिटी होगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड शेयर्स, सर अनपेड शेयर्स की हद तक लायबिलिटी होती, अनपेड शेयर्स की हद तक लायबिलिटी होती है। सर जी E2, सपोज दैट अ कंपनी हैज इशूड 1 मिलियन शेयर्स विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। मिसाल के तौर पे कंपनी ने इशू किए हैं 1 मिलियन शेयर्स और उसकी फेस वैल्यू क्या है 10 ईच, एंड ₹7.5 ऑफ द फेस वैल्यू हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। सपोज करेंगे कंपनी ने इशू किए हैं 1 मिलियन शेयर्स और 1 मिलियन शेयर, हर शेयर की वैल्यू क्या है 10 रुपए, और उसकी 7.5 ऑफ द फेस वैल्यू हैज बीन पेड बाय द सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर। इफ अ कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन द होल्डर ऑफ द 1 मिलियन शेयर विल बी लायबल टू पे 2.5 पर शेयर। सर अगर शेयर होल्डर ने 10 रुपए के शेयर में से 7.5 रुपए पे कर दिए हैं, सब्सक्राइब कर दिया, 2.5 अभी पे नहीं किए हैं, तो अगर ये कंपनी बंद होगी तो मेंबर की लायबिलिटी होगी कि वो ये 2.5 पर शेयर पे करें ताकि कंपनी अपने कर्जे अदा करे। तो मेंबर की लायबिलिटी कितनी भी अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड शेयर, जितना अनपेड शेयर है ना उतनी लायबिलिटी होती है, उससे ज्यादा की लायबिलिटी नहीं होती। 647 सर जी आगे चलते हैं। सर क्रेडिटर को कैसे बताया जाए कि ये कंपनी है भाई, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, ये अपनी जायदाद बेच के आपका कर्जा अदा नहीं करेगी? क्योंकि आम तौर पे जब आम बिजनेस होता है तो सब लोगों को पता होता है कि जनाब मैं तो इससे पैसे वसूल करूंगा, अगर कारोबार में नुकसान भी होगा तो भी ये मुझे अपनी जायदाद बेच के पैसे देगा। तो क्रेडिटर को कैसे पता चले कि ये कंपनी है और यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है बल्कि लिमिटेड है? अगर कंपनी का नुकसान हो गया तो जितनी इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर ने की हुई थी उस हद तक, मालकों ने जितनी इन्वेस्टमेंट कंपनी में की हुई थी उस हद तक पे करेंगे, उससे ज्यादा पे नहीं करेंगे। सर कंपनी कहते हैं क्रेडिटर को चौकस रहना चाहिए, अगर किसी दायरे के साथ लिखा आ जाए ना लिमिटेड, ए लिमिटेड, तो इसका मतलब है लायबिलिटी लिमिटेड। वो कहते हैं द वर्ड लिमिटेड इज द नेम ऑफ द इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्रॉज द फैक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी टू द अटेंशन ऑफ एनी वन डीलिंग विद इट। सर अगर ये वर्ड लिखा हो लिमिटेड इन द नेम ऑफ द कंपनी, ये ड्रॉ करता है द फैक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी टू द अटेंशन ऑफ एनीवन डीलिंग विद इट, दिस इज व्हाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन पाकिस्तान आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन देयर नेम। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन देयर नेम, इट इज व्हाई पब्लिक कंपनीज इन पाकिस्तान आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द वर्ड लिमिटेड इन देयर नेम। पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी इन पाकिस्तान आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द वर्ड लिमिटेड इन देयर नेम।
पब्लिक कंपनी जो है, इट इज वाई पब्लिक कंपनी जो है उनके नाम के साथ लिमिटेड लाजमी लिखा होता है, प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी लिमिटेड लाजमी लिखा होता है। तो क्रेडिटर को ये निशानी है जिससे पता चल जाता है, क्रेडिटर अलर्ट हो जाता है कि भाई यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड है, अगर कंपनी का नुकसान हो गया तो मालिक अपनी जायदाद बेचकर पैसे अदा नहीं करेंगे। सर जी, लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। सर लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी को हवाले से कानून क्या है और कंपनी को चलाया किस तरह जाता है। सर कंपनी को जिस कानून के मुताबिक बनाया जाता है इसको कहते हैं कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट वो कानून है जिसके तहत कंपनी को बनाया जाता है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो कानून है जिसके तहत कंपनी को चलाया जाता है। कंपनी को बनाया जाता है किस कानून के तहत? कंपनीज एक्ट के तहत। और कंपनी को चलाया किस कानून के तहत जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत। सर ये वो बुनियादी और असूली डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए इदारे को बनाया जाता है, और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी क्या है, कंपनी में क्या है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है कि कंपनी कैसे चलेगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है कि कंपनी क्या है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है कि कंपनी कैसे चलेगी। सर आपने एक नया मोबाइल खरीदा है, उसके कवर के ऊपर उसके ब्रांड का नेम, उसके मॉडल का नेम, उसकी शेप, उसकी शक्ल, ये चीजें लिखी होती है। सर वो ऐसे है जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। सर जब आपने उसको खोला तो उसके अंदर एक बुकलेट निकलती है जिसके अंदर लिखा होता है कि आप इस मोबाइल को चला कैसे सकते हैं, इसमें फंक्शन कौन कौन से हैं। सर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। वो जो मोबाइल का कवर है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। वो जो मोबाइल के अंदर बुकलेट है कि मोबाइल ने चलना कैसे है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर यूनिट नंबर 1 मैंने आज कंप्लीट कर दिया। कोई सवाल पूछना है तो यू आर मोर देन वेलकम। अगर समझ आ गई तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। इंशाल्लाह जनाब कल हम चैप्टर नंबर 1 का यूनिट 2 शुरू करेंगे। यूनिट 1 इज ऑल डन। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज।